दोस्तों सभी रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी सूचना है, जरूरी अपडेट है और वो ये कि रेलवे ने टिकट बुकिंग का नियम बदल दिया और ये नियम ऑनलाइन सिस्टम में बदला गया। कहने का मतलब अगर आप रेलवे का टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं तो ऐसे में अब आपको ऑनलाइन कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स फॉलो अप करनी पड़ेगी, तभी से आपका टिकट जो है ना वो ऑनलाइन बुक होगा, समझ रहे हो ना। वैसे आजकल डिजिटल जमाना है, ज्यादातर लोग कहीं ट्रेवल करने की प्लानिंग कर रहे हो तो आजकल तो प्राइवेट बसेज, स्लीपर वगैरह, रेलवे का टिकट बुकिंग हो या होटल बुकिंग हो या सब कुछ चीजें ऑनलाइन हो चुकी है, राइट। और मतलब बात भी सही है कि आप रेलवे स्टेशन पर लाइन में खड़े रह करके टिकट काउंटर के पास में और फिर टिकट लोगे, उससे अच्छा तो बेहतर है कि आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन टिकट बुक कर लो, क्या दिक्कत है ना। ऐसे में दोस्तों ऑनलाइन टिकट बुकिंग के प्रोसेस में इंडियन रेलवे की तरफ से कुछ न्यू रूल्स यानी कि नए नियम लागू किए गए हैं। जनरली आपको पता होगा कि ऑनलाइन अगर कहीं पर भी आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा एक्सेट्रा जानकारी देनी पड़ती है, राइट। इंडियन रेलवे में भी पहले ऐसा ही सिस्टम था कि आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका नाम, पता, उम्र वगैरह ये डालने के बाद ऑनलाइन IRCTC के पोर्टल से सिंपल टिकट बुक कर पाते थे, ई टिकट। लेकिन अब अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करोगे ना तो पहले तो क्या है कि आप रेलवे के पोर्टल पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल के साथ एक पासवर्ड के साथ मतलब अपना अकाउंट साइन अप करके डायरेक्टली अकाउंट क्रिएट कर सकते थे। लेकिन अब मतलब जैसे ये फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, जीमेल हो गया, इनमें जब भी अपन अकाउंट बनाते हैं तो एक OTP आता है वेरिफिकेशन के लिए, राइट। तो वो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए अब आपको जो रेलवे IRCTC के पोर्टल पर आप अकाउंट साइन अप करने दौरान ईमेल और मोबाइल नंबर डालोगे ना तो उनके ऊपर एक OTP मैसेज आएगा और वो रीवेरीफाई आपको करना पड़ेगा, रिकन्फर्मेशन करना पड़ेगा अगर आपने पहले भी IRCTC पर अकाउंट बनाया हुआ है लेकिन अगर आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर वेरीफाइड नहीं है ना तो। और अगर नया अकाउंट भी बनाते हो तो भी अब आपको OTP और ईमेल पर भी इस तरह का सीक्रेट कोड आएगा जो आपको वापस इंडियन रेलवे के पोर्टल पर यानी कि IRCTC के पोर्टल पर डालना पड़ेगा। अब इसके क्या क्या स्टेप्स हैं, सिंपल जो मैंने आपको बताया ना वही चीजें हैं। IRCTC के पोर्टल पर जैसे आप लॉगिन करोगे एक नई विंडो खुलेगी जिसमें आपको आपका रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर डालकर सबमिट करना है। फिर आपके मोबाइल पर तो एक OTP आएगा और इसी तरह से ईमेल पर भी एक वेरिफिकेशन लिंक वगैरह आएगा, उसको नेक्स्ट क्लिक करते हुए आपको अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर वेरीफाई करना। रेलवे का ये सिस्टम लागू करने के पीछे मकसद ये है दोस्तों कि कहीं मतलब कोई व्यक्ति अगर ऑनलाइन टिकट बुक कर रहा है तो किसी दूसरे व्यक्ति के मोबाइल नंबर वगैरह ना डाल दे। ऐसा नहीं कि मैं आपके मोबाइल नंबर से मेरे नाम से टिकट बुक कर लिया क्योंकि मैसेज वगैरह तो जा ही नहीं रहा तो फिर क्या, तो इस तरह की फ्रॉडबाजी ना हो इसलिए रेलवे ने ये सिस्टम लागू कर दिया और उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन भी आपको जरूर जानने मिली होगी। अब भी दोस्तों इससे संबंधित आपके मन में कोई सवाल जवाब है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू माय बेस्ट रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। और हां वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आपने लास्ट टाइम रेल यात्रा कब की थी, कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हां अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।